दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम गरुड़ ऐप पर देखेंगे किस तरह से वर्ष 2022 में किसी भी नए मतदाता को जोड़ सकें, फॉर्म नंबर 6 जो है वो फिलअप कर सके। ठीक है, तो हम ये गरुड़ ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से दिखने लगती है, अब इसको हम क्लिक करेंगे। यदि दोस्तों आपने पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ करना है और आपको आपके असेंबली और भाग संख्या सब डालकर मोबाइल नंबर डालना, फिर ओटीपी आएगा, फिर आप लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, यदि आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो सीधे ये मेन स्क्रीन दिखने लगेगी। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे सीधे ये 3 डॉटेड जो लाइन चल रही है यहाँ पर, इसके बाद फॉर्म्स ऑप्शन है 4th नंबर, तो फॉर्म्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों वोटर सर्विसेज न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6। ठीक है, तो हम इसके सारे ऑप्शंस पर एक कर कर देखेंगे। आज हम देखते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ लिखा जाता है हेलो माय नेम इज़ वोटर मित्र, ये कर तो लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा जाएगा आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम, क्या आप वोटर आईडी के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं? चूंकि फॉर्म नंबर 6 है तो पहली बार ही रहेगा, तो यस पे क्लिक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा। अब दोस्तों इसमें सबसे ऊपर जो है सन दिखता है ना, ईयर दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। 2004 है। अब आप जिस ईयर में आप जो मतदाता का नाम जोड़ रहे हैं उनका जो है ईयर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा रहता है से 1989 M01 मतलब जनवरी, M02 मंथ 02 मतलब फरवरी, M03 मतलब मार्च, इस तरह से हमें देखना है। ठीक है, तो किस में है, मान लो जनवरी में ही और फिर तारीख कौन सी, 1, तो 1 पर क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें, तो 1/1/1989 ये हो गया। इस तरह से हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो कई सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट है ना, मार्कशीट ऑफ 5th, 8th, ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मार्कशीट ऑफ 10th, 12th, सभी चीज़ें लिखी हैं। तो जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड का प्रूफ लेना, तो आधार पर क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो है फोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा भी ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे कैमरा लिखा आएगा और गैलरी, तो आप क्या करेंगे इसमें, जिसमें यदि आपके पास मोबाइल में सेव है तो आप गैलरी पर क्लिक कर देंगे, यदि आप सीधे डॉक्यूमेंट से फ़ोटो ले रहे हैं तो आप कैमरे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फोटो क्लिक करेंगे दोस्तों, जो आधार कार्ड इसे आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड की, तो यहाँ कुछ देर जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ देर रुकने के बाद वो आपको क्रॉप करने के लिए पूछेगा, तो आप क्रॉप कर सकते हैं आसानी से फोटो को, फिर ओके पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दिखने लगेगी, चलिए मैं करता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन रहता है प्रीव्यू, आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया सही है कि नहीं। इसके बाद एज डिक्लेरेशन रहता है दोस्तों, एज डिक्लेरेशन फॉर्मेट, यदि आप कुछ ज़्यादा इसे सन पुराना आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें एज डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अभी तक क्यों ऐड नहीं किया गया, या कहीं दूसरी जगह ऐड किया गया था तो उसका आप उसका जो डिफरेंस दे सकते हैं कि हमारा दूसरी ऐड था उसका हम नाम कटवा के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो डाउनलोड एड डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप कर सकते हैं उसमें, या फिर उनकी जो रसीद है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए अपलोड करते हैं, या फिर जिससे भी आप एज डिक्लेरेशन कर रहे हैं है ना, उसमें आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ, इसमें वैसे ही ऑप्शन आएंगे कैमरा और गैलरी, तो हम इसमें वैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपलोड पिक्चर आएगा, तो पिक्चर भी दोस्तों आप जैसे ही अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैमरा गैलरी का ऑप्शन आएगा, तो आप इसमें कैमरा ओपन करके डायरेक्ट ले सकते हैं या गैलरी से में से भी ले सकते हैं। तो इसकी भी सेम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वैसे ही रहेगी। अब जब भी दोस्तों ओके करें उसका थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, फिर वो आपको क्रॉपिंग के लिए पूछता है, और क्रॉप करके फिर आप सही के निशान पर क्लिक कर देते हैं तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सिंपल सी फील्ड है, इसे आपको सेलेक्ट जेंडर करना है, मेल फीमेल, अदर इसे फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद नेम भरना है दोस्तों, नेम आप भरेंगे, जैसे मैं एक नेम भर के बताता हूँ आपको। जैसे दोस्तों हम नेम लिखेंगे और फिर नेम इन रीजनल मतलब आपकी लैंग्वेज में, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप, जैसे यहाँ हिंदी लैंग्वेज रीजनल, तो अपने आप जो है नाम लिखा हुआ जाएगा। इसी प्रकार आप सरनेम भी लिख सकते हैं आगे तक, सरनेम इन एप्लीकेंट रीजनल, फिर वैसे ही जाएगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल। और इसके बाद दोस्तों यदि कोई दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, तो इसमें उस पर क्लिक करना, लोकोमोटिव विजुअल या डीफ एंड डम या अदर कुछ है तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना। चलिए मैं करता हूँ। जैसे आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ लिखा जाएगा एंटर वोटर आईडी
नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इफ़ इश्यूड, ठीक है। तो आप किसी भी जो आपके फैमिली मेम्बर में यदि आप जोड़े तो यहाँ उनका एपिक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, इफ़ इश्यूड यहाँ है तो। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन नेम ऑफ रिलेटिव जरूर लिखना पड़ेगा। यहाँ नीचे जो लिखा है नेम, यहाँ आपको जरूर लिखना पड़ेगा, और नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल अपने आप आ जाएगा। रिलेशन क्या है उनसे, फादर मदर है या हस्बैंड, पिता माता है या पति है या अदर, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं करता हूँ इसका। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा एंटर योर करेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है हाउस नंबर जितना है वो लिखें, फिर वो अपने आप रीजन में जाएगा, स्ट्रीट एरिया लिख दें, फिर स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी इन रीजनल आ जाएगा, फिर आपका विलेज गांव जो है वो लिख दें, पूरा पता लिखना है आपको, है ना, टाउन विलेज पूरा, पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड, फिर एरिया टाइप। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप क्या लिखेंगे, विलेज, शहरी क्षेत्र में टाउन, फिर सिटी में है तो सिटी आप क्लिक कर लें, जो भी है वो क्लिक कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिख लेंगे, पूरी जानकारी लिखना है आपको। तो फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, ये यहाँ देखिए एड्रेस प्रूफ का है कि कौन कौन से एड्रेस प्रूफ हो सकते हैं, तो इसमें इंडियन पासपोर्ट है ना, इसी प्रकार नेशनलाइज शेड्यूल बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, लैंड ओनिंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग किसान बही, ये आप कर सकते हैं, है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व डिपार्टमेंट का, यदि आपके पास ऋण पुस्तिका है वो भी लगा सकते हैं, वाटर बिल लगा सकते हैं, मतलब नल का जो आप टैक्स भरते हैं, नल का जो है वाटर बिल वो दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, ठीक है, गैस कनेक्शन का बिल भी लगा सकते हैं, पासबुक लगा सकते हैं, रजिस्टर रेंट लीज डीड लगा सकते हैं, आपके पास कोई सी किरायानामा है तो वो लगा सकते हैं, है ना, इस कई सारी चीज़ें, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट आर्डर भी है, पोस्ट कोई सा लगा सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट से पोस्ट हुआ है कुछ बहुत, या अदर जो भी आप लगाना चाहें वो यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लीजिए राशन कार्ड, तो राशन कार्ड पर क्लिक कर देंगे, फिर राशन कार्ड भी आपको वैसे ही अपलोड करना पड़ेगा जैसे हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। चलिए मैं ये पूरा फिलअप करता हूँ एड्रेस, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही आप दोस्तों आगे नेक्स्ट करेंगे, डिक्लेरेशन में जाएगा, हियर वाई डिक्लेयर डेट, और आपको आज की कब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द गिवन एड्रेस, कब से रह रहे हैं वो लिखना है, और जनरल डिक्लेरेशन आपका नाम लिखा रहेगा, सेंक्शन नंबर आपका जो सेंक्शन आपका जो भाग संख्या है उसको क्लिक करना है, फिर प्लेस आपका लिखना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें सेम वैसे ही आपका ओपन होगा, जो डेट ऑफ बर्थ का है वो जो जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ में देखा था वैसे यहाँ कब से आप रह रहे हैं वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ क्लिक कर देना है ऐसा करके, और ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से प्रीव्यू हो जाएगा, फिर आपको इस पर कंफर्म करना है, ये देखिए इस तरह से नीचे कंफर्म हो जाएगा, आपको कंफर्म कर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंफर्म क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, थैंक यू का मैसेज, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट, जिस डेट पर आपने सबमिट करा वो, और यूर रेफरल आईडी आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आ जाएगी, आप अपने ब्लॉक में जो तहसील है उसमें ये दे सकते हैं कि हमने ऑनलाइन कर दिया है, जो भी BLO हैं बूथ लेवल ऑफिसर वो बता देंगे कि हमने कर दिया, तो वहाँ से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अभी इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन हमें ही अलॉट होगा, जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे, तो मैं इसके आगे की प्रोसेस दिखा रहा हूँ क्या करना है हमें। अब हमें ओके पर क्लिक करना है, देखिए मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके पर क्लिक कर दिया, फिर से मेन पेज पर जाएंगे। जैसे ही मेन पेज पर आएंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, यहाँ आपको दिखने लगा है फॉर्म्स रिसीव्ड विथ इन 7 डेज, 0-1 आ गया, 1 क्यों आ गया, क्योंकि अभी हमने जो फॉर्म सबमिट किया वही वाला फॉर्म यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो पूरी डिटेल हमें आने लगी, और हमें यहाँ पर वेरीफाइड करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये हम 01 जो फॉर्म रिसीव्ड विथ इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो फॉर्म रिसीव्ड हुए यहाँ देखेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अभी जो हमने इस पर जो ऑनलाइन आवेदन किया वो तुरंत दिखने लगता है, ये देखिए रेफरेंस नंबर, सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, और इसमें जो रहेगा आपका फॉर्म नंबर 6 स्टेटस क्या दिख रहा है, BLO अपॉइंटेड, क्योंकि जो आप ये आपने आपके लॉगिन से ही किया है इसलिए तुरंत आपको अपॉइंटेड हो जाता है, BLO अपॉइंटेड दिख रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको वेरीफिकेशन करेंगे, तो इसमें दोस्तों आपको जो आवेदक की फ़ोटो भी दिखेगी, आपको सारी चीज़ें डिटेल दिखेंगी, आपको यहाँ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देखना है तो व्यू करके देख सकते हैं ना। अब द डेट ऑफ बर्थ, एज इन फॉर्म एंड इन द अटैच डॉक्यूमेंट इज सेम करना है आपको, यदि आप क्योंकि आपको वेरिफिकेशन करना है सेम है या नहीं है, नहीं है तो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि सेम है वही डॉक्यूमेंट आपने वेरिफिकेशन किया फील्ड पर जाकर आवेदक के घर, सेम वही है तो सेम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपकी बाकी एड्रेस डिटेल देख लें आपकी कि सही है या नहीं, इसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं आप यहाँ पर एड्रेस डिटेल संबंधित। अब यहाँ पर इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन 21, हैज़ द एप्लीकेंट गिवन ए डिक्लेरेशन,
तो यस पर क्लिक करना, हमें इस पर टिक करना है, मतलब डिक्लेरेशन कर चुके हमने ये अपलोड कर चुके हैं तो व्यू कर सकते हैं, और नहीं सही नहीं है तो आप अपलोड करके फिर से नया डॉक्यूमेंट के घर जाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फील्ड वेरिफिकेशन है दोस्तों, ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेशन एप्लीकेंट इज फाउंड, आपने फील्ड विजिट किया उनके घर जाकर तो वो एप्लीकेंट जो आवेदक है वो उपलब्ध रहा है तो हमको अवेलेबल करना है, नहीं तो एबसेंट शिफ्टेड डेड नो सच पर्सन, तो इसमें जो भी आपको सही लगता है वो क्लिक करें, अवेलेबल तो अवेलेबल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, इस पर क्लिक कर देंगे। इसका रिमार्क कुछ लिखना है तो वो लिख दें, नहीं तो ओके लिखना चाहें तो वो लिख दें, और इसका सबमिट पर क्लिक कर दें। ये देखिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्लीज़ वेरीफाई द एड्रेस, यदि कोई कहीं आपने कोई क्लिक नहीं किया तो वो आपको बता भी देगा कि आपने नहीं किया है, जैसे मैंने यहाँ एड्रेस में सेव नहीं किया था तो वो कर दिया है। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ लिखा है सबमिट फॉर्म, डू यू वांट टू प्रोसीड विद दिस फॉर्म सबमिशन, क्या आप आगे जारी रखना चाहते हैं, तो हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह जो है आपके ब्लॉक तहसील में चले जाएगा और आपकी आगे की कार्रवाई यहाँ से शुरू हो जाएगी, फॉर्म चेकलिस्ट इज पोस्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, विथ इन आप वापस बैक होंगे तो ये फॉर्म का जो एक दिख रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए हट गया, क्योंकि अब हमने इसको फॉर्म को फिलअप भी कर चुके हैं और फॉर्म को जो है वेरीफाइड भी कर चुके हैं, फील्ड वेरिफिकेशन भी कर चुके हैं। अब ये आपके ब्लॉक तहसील में चले गया है और अब कुछ ही दिनों में ये आपको या आजकल जो है पोस्ट के जरिए होता है दोस्तों, हितग्राही को पोस्ट के जरिए जो है प्रिंटेड जो है आपका जो प्रिंटेड वोटर आईडी जो है वो आप आजकल पोस्ट के जरिए घर पहुंचता है, तो वो आपको रजिस्टर डाक से आपके घर प्राप्त हो जाएगा। और आप दोस्तों इसको जो है हितग्राही के मोबाइल नंबर से आप उनके मोबाइल नंबर पर जो है NVSP के पोर्टल से वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप इसको उनके मोबाइल नंबर पर आप OTP के जरिए जो है डाउनलोड ई वोटर कार्ड करा सकते हैं। ठीक है, और वो भी पूरा वैसे ही वैलिड है जैसे कि प्रिंटेड वोटर कार्ड वैलिड है, तो वो आप कुछ दिनों में ही करा सकते हैं और प्रिंटेड भी उनके घर डाक से पहुंच जाएगा, पोस्ट से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यह पूरी प्रोसेस है दोस्तों वर्ष 2022 में नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, नया नए मतदाता को रजिस्टर्ड करने के लिए। और भी दोस्तों मैं आपको गरुड़ ऐप से संबंधित और भी जानकारी से अवगत कराते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।